नमस्कार, गुड फूड में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इजी और हेल्थी करी बनाएंगे उड़द दाल से। इसके लिए हमने 2 कप उड़द दाल लिया है, 4 टमाटर लिए हैं, यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया है, थोड़ा अदरक, शाही जीरा, दालचीनी, इलायची और तेजपत्ता, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, कसूरी मेथी, घी, छोले या पाव भाजी मसाला, तेल। अब हम एक कढ़ाई में उड़द दाल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में बिना जलाए हुए से अच्छे से रोस्ट कर ले, अच्छी अरोमा आने तक। उड़द दाल अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसे एक बाउल में लेके 1 से 2 बार अच्छे से धो के सोक कर लेंगे 10 मिनट के लिए। अब हम करी को कुकर में बना लेंगे। इसके लिए थोड़ा तेल ऐड करेंगे। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें सारे गर्म मसाले के आइटम्स ऐड करेंगे। ग्रेट किया हुआ अदरक, हल्दी एक बार इसे मिक्स कर ले। इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। हम टमाटर कट करते समय इसके बीज निकाल देते हैं, इसका जूस बाद में करी में ऐड कर लेंगे। किडनी प्रॉब्लम वालों को टमाटर के बीज नहीं खानी चाहिए, वैसे तो किसी को भी नहीं खानी चाहिए। टमाटर को 1 से 2 मिनट अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़ा कसूरी मेथी भी ऐड कर ले। टमाटर थोड़े पक गए हैं, अब इसमें हम उड़द दाल को ऐड कर लेंगे। एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें पाव भाजी या छोले मसाला को ऐड कर लेंगे। एक बार अच्छे से मिला के थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। हमने जो टमाटर का जूस निकाला था, इसमें थोड़ा और पानी ऐड करके इसमें ऐड करेंगे। हमने 2 कप उड़द दाल लिया था, इसके लिए 2.5 कप्स पानी करेक्ट है, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। अब इसे कवर करके 3 विजल तक इसे पका लेंगे। उड़द दाल टमाटर के साथ अच्छे से पक गया है। इसे ऐसे थोड़ा ग्रेवी के जैसे ही बना ले, नहीं तो बहुत ही ड्राई हो जाएगा और खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इसे आप राइस या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा हरा धनिया ऐड करके इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इजी और हेल्थी उड़द दाल का करी बनके तैयार है। इसे खास विंटर्स में खाते हैं, क्योंकि उड़द दाल सारे वात रोगों को कम करती है और इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी रहता है, हमें ताकत भी मिलता है। इसे आप राइस या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ध्यान रखें कि इसे थोड़ा गर्म ही खा लें, क्योंकि ठंडा होने पर यह सब्ज़ी उतना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्थी रेसिपीज़ के लिए हमारे गुड फूड को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।